नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी खास कार्यक्रम किताब के चतुर मूल के साथ में, मैन मोल में। और आज हम लाए हैं बुक बाला की ओर से एक नई पहल, लेखक संवाद में एक नए लेखक की एक नई कथा, एक नई कहानी, एक दो उपन्यास के राइटर स्तुति और आवाहन के राइटर सौरभ कुदेसिया जी को, उनसे आज हम जानेंगे इस अनोखी किताब के बारे में, चर्चा करेंगे कैसे उन्होंने इस किताब को लिखा, क्या क्या समस्याएं और क्या इसके अंदर की जो कहानी है उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैं सौरभ जी से बातचीत करूं या उन्हें आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत सौरभ जी के बारे में बता देता हूं। सौरभ जी लगभग पिछले 20-25 वर्ष से लेखन के क्षेत्र में हैं और तरह तरह के लेखन करते रहते हैं। इसके अलावा वो बेंगलोर में एक कंपनी में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं और वो हमारे बुंदेलखंड के पास के ही है और काफी एक्टिव रहते हैं लिखने में। और उन्होंने जो कहानी लिखी है वो अभी तक की जो मैंने कहानियां पढ़ी हैं या जो किताबें पढ़ी हैं माइथोलॉजी, उन सबसे भिन्न है और एक बहुत अच्छी कहानी है। तो स्वागत करते हैं सौरभ जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी खास कार्यक्रम किताब की चर्चा मूल साथ में। नमस्कार अनमोल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं, सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है अनमोल जी। तो आप किस प्रकार के लेखन से पिछले 20 सालों से जुड़े हैं, हमें थोड़ा ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं लेखन के कार्यों में जो जुटा हुआ वो उसको तकनीकी लेखन के या फील्ड बोला जाता है, और जी उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके बारे में लिखना, उनके बारे में लोगों को बताना, और उनके जितने भी यूजर्स होते हैं उनको उस बारे में एजुकेट करना होता है। तो मैंने जो शुरुआत करी थी टेक्नोलॉजी में लिखने की, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैगजीन से की थी। मैं आर्टिकल्स लिखता था उनके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए। और फिर धीरे धीरे मुझे मतलब ऐसा इंटरेस्ट जागा टेक्निकल राइटिंग में कि मैं इसी क्षेत्र में चलता चला गया, और आगे भी फिर मैंने कंपनी ज्वाइन करी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, बहुत सी टीम्स मैंने लीड करी हैं, और बस ये ऐसे करते करते 20 साल गुजर गए, पता नहीं पड़ा मुझे। बस टेक्निकल राइटिंग मतलब ऐसा है कि एक तरह से मेरा पैशन भी है, मुझे अच्छा भी लगता है, और प्रोफेशन भी हो चुका है, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसमें मुझे एक लिखने में बहुत आनंद आता है। क्वेश्चन जो मैं और बाकी सवाल पूछूं आपसे या बाकी बातचीत स्टार्ट करूं, उससे पहले एक क्वेश्चन जो लगभग हर एक पाठक ने या हर एक व्यक्ति ने पूछा इस किताब को पढ़ने के बाद, इस सीरीज को पढ़ने के बाद, आवाहन और स्तुति जो एक कहानी है या पूर्णता काल्पनिक या कुछ हद तक हकीकत है? देखिए, इसमें कल्पना और हकीकत का जो फर्क होता है वो आदमी के इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, पाठकगण उसको कैसे लेते हैं। तो आप अगर पूरी की हकीकत को कल्पना मानना चाहें तो आप वो भी मान सकते हैं, कल्पना को हकीकत मानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जब मैंने ये कहानी सोची थी, जब मैं इसका प्लॉट बना रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसी कहानी लिखूं जिसमें कल्पना और हकीकत के बीच आदमी को फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि ऐसी कहानियां जो लगती हैं वो आपके दिमाग में कई सवाल छोड़ के जाती हैं, आपके आसपास की घटनाओं में आपको ऐसे जोड़ती हैं कि आपको लगता है कि भाई ये कुछ ऐसा हुआ है कि वाकई में हुआ है या कहानी चल रही है। तो बस इसी 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 के लिए ये मैं इसको प्योर कल्पना भी नहीं बोलना चाहूंगा और प्योर हकीकत भी नहीं बोलना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं इसके बीच का हिस्सा है और कहीं इन दोनों के से दूर भी है। तो अभी आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे या जैसे कोई भी पुराण उठा के देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हो सकता था। हमारे दिमाग में कई सवाल उठते हैं, तो मैंने उन सवालों को लेकर के एक कहानी के फॉर्म में बना करके इस पर्टिकुलर नॉवल सीरीज में मैंने बनाया है। और कोशिश ये रही है कि मैं जितना हो सके इनको तर्कों के साथ देख सकूं और उनमें जोड़ सकूं, जो घटनाएं हुई हैं उनके बीच में जो गैप है उसको तार्किक आधार पर जोड़ सकूं, और ऐसे जोड़ूं कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ भाई ये कुछ वाकई में हुआ है या ये कल्पना का खेल है। तो ये कल्पना और तर्कों के जो 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 जोड़ है उस जोड़ का नाम है ये कहानी। ये देखने को बिल्कुल मिलता है कि आप कभी तो ऐसा लगता है कि एकदम कल्पना में जी रहे इस कहानी को पढ़ते हुए, और कभी ऐसा लगता है कि आपके सामने ही ये चीज चल रही है, तो ये अलग से ही आपको फील देता है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
आपने जो स्तुति और आवाहन की जो बात करें तो स्तुति में आपने कम ही रेफरेंस दिए हैं, कभी महाभारत का, कभी विष्णु पुराण का, कभी यादव ग्रंथ का, कभी इस तरीके से। लेकिन जब आपने स्तुति की बात पे हम आ जाते हैं तो इसमें तमाम प्रकार के पुराणों, तमाम प्रकार के ग्रंथों, तमाम प्रकार की गीताओं के आपने रेफरेंस दिए हैं, तो आपने कुल कितने ग्रंथ पढ़े हैं ऐसे जिनके आपने इसमें रेफरेंस दिए हैं, और कौन कौन से वो ग्रंथ थे जिनको आपने पढ़ा इसमें? क्योंकि मुझे लिए तो नाम भी याद करना मुश्किल हो गया इतने रेफरेंस के मैंने नाम पढ़ रहा था, तो हर बार एक नया रेफरेंस, हर बार एक नया रेफरेंस, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया मैंने पहले कौन पढ़ा था। तो कुल कितने ग्रंथ पढ़े थे आपने और कौन कौन से थे वो? देखिए, अगर ग्रंथ की सिर्फ गणना करना चाहे तो मुझे लगता है कि मैंने जितने ग्रंथ मेरे पास थे वो मैंने सभी पढ़े हैं। आप, मैंने शुरुआत जो करी थी इस कहानी की वो श्रीमद् भगवद गीता से शुरू करी थी, जो धीरे धीरे फैलते हुए महाभारत तक पहुंची, फिर महाभारत से होते हुए हरिवंश पुराण पर पहुंची, फिर वहां से गद्य संहिता पर पहुंची, फिर शिव पुराण पर पहुंची, फिर स्कंद पुराण पर पहुंची, उसके बाद ऐसे करते 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 यानी कितने ग्रंथों में मेरे रेफरेंस मिलने लगा और मैं उनसे जुड़ता रहा। तो बेसिकली मेरा जो पर्पस था वो ये था कि अगर किसी ग्रंथ में कुछ कहा गया है किसी पात्र के बारे में तो जरूरी नहीं कि मैं उसको ले लूं उठा करके वैसे का वैसा। मैं चाहता था कि ठीक है, अगर ये पात्र के बारे में ये बोला गया है तो जरूरी है कि एक दूसरा ग्रंथ जो कि उसी पात्र से रिलेटेड है उसमें भी इस बारे में कुछ कहा गया होगा, तो इस बारे में और क्या मिल सकता है मुझे और मैं इसको कैसे जोड़ सकता हूँ। तो अभी जैसे गीता से पहुंच करके महाभारत में पहुंचे, महाभारत से अपन कृष्ण का जो एक जीवनी चली थी वहां से पहुंचे, तो वो उसके रेफरेंस मुझे फिर हरिवंश पुराण में मिले, तो हरिवंश पुराण पढ़ा के भाई ये वाकई में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, कि द्वारका के द्वारकावती जो बनी थी वो कैसे बनी थी, किस ऋषि ने उन्होंने जमीन दी थी, किस कैसे उसका बनाया गया था। फिर उसके बाद पता पड़ा कि भाई वो यादवों के यदुवंश के कुल इतने बने हुए थे, वो एक तरह से उन्होंने एक कोलिशन टाइप का बनाया हुआ था, मतलब एक तरह से फिर मैं इसमें घुसता चला गया तो रेफरेंस मिलते चले गए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब केवल रेफरेंस ढूंढने के लिए मैंने किताबें पढ़ी हूँ बट या उपन्यास पढ़े हों या ग्रंथ पढ़े हों, कई कई रेफरेंस मुझे रिसर्च से मिले, जो कि आजकल की जो जैसे द्वारका की जो खुदाई होती है उसके बारे में जो रिसर्च पेपर थे उनमें क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले, उनके साथ में क्या क्या मिला और उसके बाद क्या हुआ, और उनके साथ में किस तरह की मुद्राएं मिली हैं, किस तरह का उनको जो बर्तन वगैरह मिले वो कितने साल पुराने थे, उसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा, वो एक पूरी पूरी मैंने किताब पढ़ी जस्ट टू मेक श्योर कि वो सारे रेफरेंस वहां पर मिल जाएं और बेसिकली वो कनेक्ट हो जाए। तो अगर सिर्फ रेफरेंस के लिए आप देखेंगे तो स्तुति और आह्वान को मिलाकर उसमें 250-300 से ज्यादा के रेफरेंस कुछ थे। जी बिल्कुल, इससे ज्यादा मुझे लगे हैं। हाँ हाँ, और अगर मुख्य किताबों को पढ़ेंगे कि कितने रेफरेंस, तो मेरे ख्याल से 20-25 तो मिनिमम होंगी होंगी, जो कि ग्रंथ पुराण जिसको बोलेंगे आप, उसके अलावा भी जो रेफरेंसेस लिए जैसे मेडिकल क्षेत्र में जो मेडिकल सिचुएशन बताई गई है निश्चल की, उसके बारे में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज की गई है, जो सिचुएशन उसके लिए बताई गई, ट्रीटमेंट बताया गया, उसके लिए भी जो लिटरेचर पढ़ा है वो एक अलग चीज बन जाती है। अच्छा, एक चीज और इसमें, क्योंकि किताब को अगर मैं बात करूँ, सीरीज की बात करूँ पूरी, तो ये पूरी एक रिसर्च के बेस पर, एक पूरी सोच के ऊपर पूरी एक किताब है, तो आपने इतना सारा रिसर्च किया कैसे? देखिए, अब इसको आप मेरा पागलपन कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को एक तरह से चिढ़ मस्ती थी देख करके कि भाई आप कोई भी कहानी लिख रहे हैं उसमें या तो आपका हीरो इतना अच्छा होता था कि भाई वो उसने चुटकी बजाई और भैया हे देखो वो कातिल वहां पर चुरा चूक गया, उसमें फिंगरप्रिंट्स होंगे और वो मतलब बिल्कुल हीरो बन करके, भगवान बन करके वो सब कुछ मतलब चीजें एक के बाद एक निकालता चला जाता है। लेकिन ऐसी कहानी में मुझे मजा नहीं आता, मुझे ऐसी कहानी लिखनी थी जिसमें आप खुद सोचें कि ये है क्या बेसिकली और इसमें किस तरह से निकलना चाहिए। मतलब आप अगर आह्वान पढ़ेंगे तो अगर आप उसमें किसको हीरो मानेंगे बताइए आप? कुछ पाठक कहते हैं जयंत हीरो, कुछ पाठक कहते हैं कि रोहन हीरो है, कुछ पाठक कहते हैं साक्षी हीरो है, कुछ मृत्युशीर को हीरो बोलते हैं, कुछ नीलकमल को हीरो बोलते हैं। तो अब इसमें आप सारे पात्र इतने सॉलिड हैं कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई इसमें मूल कहानी क्या है, लेकिन कहानी अलग चल रही है। वो नीलकमल और साक्षी और उनकी मृत्युशीर की कहानी अलग चल रही है, वो यज्ञ निदेशक और उनके प्रधान की कहानी अलग चल रही है, ये अपने श्रीमंत परिवार के साथ जयंत बेचारा अपना अलग लगा हुआ है, डॉक्टर मजूमदार की कहानी थी वो उनके साथ जुड़ गई है, डॉक्टर वर्मा है वो अपने अलग रिसर्च करते हैं वो भी इसमें जुड़ गए हैं। तो अब वो हर पात्र अपने आप में इतना सॉलिड है कि आप उसमें अगर ये देखना चाहेंगे भाई किसके एंगल से कहानी आपको बोलनी है तो वो हर पात्र एक हीरो बन जाता है।
तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि अपनी कहानी के जरिए कि भाई आप कितने भी बड़े पात्र हो, कितने भी बड़े भगवान हो या कुछ भी हो, आपको जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, आपको उन कठिनाइयों से पार होकर ही नर से नारायण बनना पड़ेगा। आप कृष्ण जी की जीवनी पढ़ लीजिए या किसी भी पांडवों की जीवनी पढ़ लीजिए, श्री रामचंद्र जी की जीवनी पढ़ लीजिए, आप देखेंगे कि वो किस तरह से कष्टों से उठ करके वो एक अपना लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए और धीरे 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 भगवान का जो उन्होंने दायित्व निभाया है वो अपने कर्मों को पूर्ण करके निभाया, उससे भाग करके नहीं निभाया। तो ये मैं इस कहानी के जरिए यही दिखाना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि भाई आप अगर मुश्किलों में फंसे हुए हैं तो आप उसे, जरूरी नहीं है कि आप एक मुश्किल के तरीके से उसको मतलब अपने आप को हीरो माने तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या अपने आप को नेगेटिव वे में सोच के देखें तभी उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आप कर्म नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर्म करेगा आपके लिए। एक चीज और इसमें, एक आप जब अभी पहले पार्ट की हम लोग बात करने लगे थे आवाहन की, तो एक चीज इसमें मैंने आवाहन में देखी कि इसमें कई जगह पे आपने मेडिकल का बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया है, मेडिकल की शोधों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। जैसे कि अगर हम माने रोहन की लाश को देख लें, चाहे निश्चल की रिपोर्ट को देख लें, या फिर डॉक्टर मजूमदार की हम रिपोर्ट देख लें, चाहे डॉक्टर वर्मा की बताई गई चीजें देख लें, तो साइंस और मेडिकल चीज से जो चीज इतना जोड़ा के रखा है आपने, इस सब के पीछे आपने कैसे सोच किया? मेडिकल क्षेत्र में आप कैसे गए, टेक्निकल राइटिंग वाले व्यक्ति को मेडिकल क्षेत्र में पहुंचना, एक तो इस सब के पीछे क्या, कैसे किया आपने सब? देखिए वो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि वो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम रहा था, क्योंकि मुझे मेडिकल ना तो टर्मिनोलॉजी की जानकारी थी और ना मुझे ये पता था कि एक सिम्टम दूसरे सिम्टम से कैसे रिलेट करता है, और साथ में भी मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज या मेडिकल फील्ड में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आप एक बीमारी या एक सिम्टम्स को आप दूसरी बीमारी से लोड करने के लिए आपको 10 चीजें और करनी पड़ती है। आई मीन डेफिनेटली वो एक डॉक्टर ही बता सकते हैं, एक स्पेशलिस्ट ही बता सकते हैं, मतलब आई एम नॉट एन स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर इन दैट फील्ड। तो मुझे इसमें और ज्यादा डर लग रहा था, मतलब कि मैं लिखूं तो बिल्कुल ऐसे लिखूं कि भाई रेफरेंस ले लेके लिखूं कि भाई हाँ इसमें ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ तो उसमें वैसा हुआ। और डेफिनेटली फिर जब रिसर्च की बात आती है तो फिर उसमें मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी थी। मैंने अपने कई जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं जो इस फील्ड में हैं, उनसे कई मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके बात करके समझा उनसे कि इस तरह का कैसे हो सकता है, इस तरह के ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं। कुछ रिसर्च मैंने ऐसे केसेस की करी जो कि वाकई में इस तरह की चीजें थी, क्लिफ पैलेट का जो इश्यूज थे, या इस तरह के जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के जो बच्चे पैदा हुए उनके उनकी उनकी सिचुएशंस क्या होती हैं, और उनके हिसाब से वो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या डायग्नोसिस रहता है, कैसे उनके क्रोमोसोम्स वगैरह मैपिंग होती है, और उस किस तरह से जाकर के वो फिर देखते हैं कि भाई ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। तो अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उस मामले में, और मैंने सिर्फ उतना लिया जितना मुझे अपनी कहानी को बताने के लिए जरूरी था। उसमें आप देखेंगे तो अगर कोई डॉक्टर या उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट अगर उस रिपोर्ट्स को देखेगा तो उनको लगेगा हाँ भाई ठीक है, रिपोर्ट्स ठीक है, बट इतनी ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट्स नहीं है कि कोई आप उसको कहें कि भाई हाँ किसी डॉक्टर ने लिखी है, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसा कोई तड़का भी नहीं मारना चाह रहा था कि मतलब कहानी बिल्कुल और ज्यादा काल्पनिक टाइप की लगे कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ करके। तो मैंने एक बहुत अच्छे से रेफरेंस जो सिमिलर केसेस के हैं मेडिकल हिस्ट्री में जो केसेस हुए उनके रेफरेंस लेकर के और धीरे धीरे उसको फिर स्टोरी में बिल्डअप किया, उनके कनेक्शंस करे और फिर उनको कहानी में जोड़ा मैंने। कि जब आप इन सब चीजों को सोर्ट कर रहे थे, जब आप चाहे आप मेडिकल वाले क्षेत्र की जानकारी कर रहे थे, चाहे आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के उनसे आप रेफरेंस निकाल रहे थे, तो सबसे ज्यादा किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा है इसको शोध करने में? समस्याओं की तो कोई कमी नहीं थी अनमोल जी, सच बताऊं तो, क्योंकि एक तरफ आप मेडिकल फील्ड का एक अलग चल रहा है कि भाई वो बच्चे की हालत को कैसे जनरेट करना है, वो रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होगा क्या क्या नहीं लिखा होगा, अभी तीसरे पार्ट में आप जैसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल्स मिलेंगे। दूसरी तरफ ये यादवों का और ये नागों का युद्ध चल रहा है, वो उसकी एक अलग फिलोसफी चल रही है, उसके लिए फिर एक आपको पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो समझना पड़ेगा उस टाइम का कैसे था भाई, नागों का उनसे क्या रिलेशन था, आर्यों से क्या रिलेशन था, वो क्या किस बात से लड़े हुए थे, उनको जोड़ करके आपको एक पूरा सिनेरियो बनाना था। और उसके ऊपर फिर ये जैन भैया तो अपने परेशान घूम ही रहे थे ये लाशों के चक्कर में, और कभी केस जो हुआ है वसीयत का, तो ये मतलब मैंने सबकी अलग अलग डायरियां बनाई हुई थी, कैरेक्टर्स की नहीं मतलब सिचुएशंस की, कि भाई ये वाला केस अगर जा रहा है तो ये आगे किस तरह से बढ़ रहा है और ये कैसे जुड़ रहा है,
ये अपने आप में एक बहुत, सच बताऊं तो मैं काफी कंफ्यूज भी हो गया था बीच में, और कई बार मैंने छोड़ा कि नहीं इसको अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, इसको दूसरे एंगल से सोच के देखेंगे। और फिर जब दूसरे एंगल से थोड़े टाइम के बाद सोचा तो पता पड़ा कि नहीं गलत सोच रहे थे, तो फिर पूरी पूरी कहानी को फिर अपडेट किया। कई पात्र कहानी में पहले जोड़े गए थे उनको हटाना पड़ा क्योंकि उससे कहानी की क्लैरिटी खत्म हो रही थी, तो उसके हिसाब से भी फिर शफल करना पड़ा क्योंकि वो एक अपना अपने जब कैरेक्टर्स आप डाल रहे हैं तो उनका अपना एक प्लॉट रहता है, उनको अपनी एक सिचुएशन रहती है, उनको वैसे सिचुएशन से हैंडल करना पड़ता है। और अगर आपका कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो कहानी को डाइल्यूट कर रहे हैं तो आप उनको सोचिए कि किस तरह से मैनेज करना है। तो ये काफी दिक्कत वाला काम रहा और काफी फ्रस्ट्रेटिंग काम भी रहा क्योंकि कई कई बार बीच में मुझे लगा कि यार पूरी कहानी 15-15 चैप्टर 16-16 चैप्टर्स लिखने के बाद लग रहा है कि नहीं अच्छा मजा नहीं आ रहा है या इसको हटाना चाहिए, तो वो फिर से दोबारा से लिख रहे हैं बैठ करके, फिर से वही कहानी दोहरा रहे, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन जो दिमाग में रहती थी कि नहीं अब छोड़ दो बिल्कुल। कई बार बिल्कुल ऐसा हुआ कि छोड़ दो अब नहीं करना, हो गया इतनी कहानी लिखनी थी, मजा आ गया, दुनिया ने पढ़ लिया, आप खुश हो लिए और जितना आपका टाइम था वो हो गया बस। लेकिन फिर धीरे फिर कुछ और दिमाग में आया, रे नहीं ये एंगल हो सकता है, इसीलिए वो वहां पर गया या वैसे गया, तो फिर उस एंगल से सोचना गया तो एक कहानी की अलग थ्रेड निकल के आ गया। तो ऐसे करते करते ये कहानी डेवलप हुई है, टुकड़ों में डेवलप हुई है और फिर उसको जोड़ा गया है, फिर उनके टुकड़ों को लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें काफी टाइम लगा, काफी फ्रस्ट्रेटिंग था और रिसर्च फिर करनी पड़ी क्योंकि आप कोई भी कहानी में इस तरह की कहानी अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप कुछ भी जरूर नहीं बोलना चाहेंगे। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन जो हमेशा से मेरा इस कहानी को पढ़ के या शुरुआत से या लास्ट तक एक क्वेश्चन हमेशा ही दिमाग में रहा है और अधिकतर ये पाठकों के दिमाग में भी रहा है कि आपने ऐसी कहानी लिखी क्यों आखिर, क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने एक ऐसी कहानी लिखी। देखिए इस कहानी का जो अगर मैं देखूं इसका जो बीज पड़ा था मेरे दिमाग में वो 2003 के आसपास पड़ा था, और वो 2003 में जो बीज पड़ा था वो मतलब ऐसी बातचीत में एक निकल के आया, दिमाग में कुछ आया। फिर जब मैं पुणे गया तो पुणे में मैं ऑफिस जब जाता था तो मैं वॉक करके ऑफिस जाता था, मेरी आदत थी मैं ऑफिस हमेशा वॉक करके जाता था उस टाइम, अभी भी कोशिश करता हूँ वॉक करके पर अभी इतना दूर है कि वॉक नहीं कर सकता हूँ। तो जब वॉक करके जाता था तो मैं सोचता रहा, मतलब कुछ ना कुछ सोचता चलता था, तो अब उसमें सोचने के लिए आधा घंटे का जो टाइम है उसमें क्या सोचा जाए, तो वो एक वो दिमाग में बीज आया कि अच्छा इसको अगर इस तरह से डेवलप करें, ये सिचुएशन अगर ऐसे हो जाए तो क्या करोगे। तो वो धीरे धीरे सोचते सोचते मेरे खुद के रोंगटे खड़े होने लगे कि भाई अगर इस सिचुएशन में आप पड़ जाओगे तो आप करोगे क्या। आप सोच लीजिए आप जैन की जगह हो या आप सीमन जी की जगह हो या आप रोहन की जगह हो या विराट की जगह हो या डॉक्टर मजूमदार की जगह हो और आपके सिचुएशन मतलब ऐसी आ जाए कि एकदम से कोई बंदा आपके पास आकर बोले कि भाई ये वसीयत आई है आपके पास और इस तरह से कुछ करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसका क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर आप कुछ रिएक्ट करोगे। तो वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, फिर पता पड़ा कि यार 4-5 कैरेक्टर दिमाग में आने लगे, अच्छा ये ऐसे हो सकेंगे, ये उनका भाई होगा, भाई नहीं होगा ये उसकी बीवी होगी, अच्छा उसका बेटा भी होना चाहिए एक उसका, फिर ऐसा होगा तो वो उसका लफड़ा है कि ये हो सकता है, तो उसका एक्सीडेंट किसने कराया, वो एक्सीडेंट करा रहा है, तो वो एक प्लॉट धीरे धीरे जो फैलने लगा दिमाग के अंदर, वो एक हद के बाद जाकर के ऐसा हो गया कि मतलब पूरा गड़बड़ हो गया। तो फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया और लिखना शुरू किया, तो फिर उसके बाद जब मैं डेवलप करने लगा तो मैंने कहा इसका थोड़ा सा और रेफरेंस अगर हमको मिल जाए कहीं पर, तो फिर धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया पौराणिक ग्रंथ पढ़ने शुरू करे, मैंने कहा इसका कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं कुछ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, इसको कैसे पता करा जा सकता है। तो वो धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किया तो फिर वो एक के बाद एक लड़ियां मिली। उसके बाद जो असली कहानी जो बनी थी, जो कहानी का मेन प्लॉट जिसको कह सकते हैं पूरी जो सीरीज का जो मेन प्लॉट है, वो जब मैं चाइना में था तब बना, और ये करीब 2008 के आसपास की बात है, और उस टाइम ये पूरा प्लॉट मेरे दिमाग में पूरा दिमाग में आ चुका था, ये ऐसा हुआ, ये कैरेक्टर होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा है, और मैंने लिखा नहीं, मैंने उसका एक मैप बनाया और मैप बना करके वो मैंने अपने फोटो करी और मैंने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और मेरे पास वो हमेशा रहता है, और उसको देख करके मतलब मुझे आइडिया लगता रहता है कि कहाँ से किस तक कितना आपको कहानी को डेविएट करना है ताकि आप दोबारा से प्लॉट में मिल जाए। तो ये एक अच्छा गाइडिंग पॉइंट रहा मेरे लिए और मतलब उसने मुझे फोर्स किया कि मैं बार बार उस कहानी को सोचता रहा, और इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि जब आप इस तरह का कुछ प्लॉट बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं, तब आपको आसानी रहती है समझने के लिए कि कहीं आप अपने मेन प्लॉट से डेविएट तो नहीं हो रहे हैं या आप कहीं बहुत ज्यादा
लूज तो नहीं चले जा रहे हैं, या कहीं आप ऐसा तो नहीं कोई कैरेक्टर मिस कर रहे हैं या कोई सिचुएशन आप मिस कर रहे हैं जिसमें वो कैरेक्टर या उसकी सिचुएशंस को आप बेटर तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये इतना जो लंबा पीरियड रहा वो केवल उसका रिफाइनमेंट रहा, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि ये कहानी ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग में थी और मैं रोज रटता था बैठ करके कि इसको ऐसे लिखना है, उसको वैसे लिखना है। तो आपके सवाल जब हमें सवाल किए तो इसका जो जवाब आया उससे और सारे सवाल मेरे दिमाग में आ गए, लेकिन समय की पाबंदी है, हमारे पास केवल 1 मिनट का समय बचा है और हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी हम सौरभ जी के साथ एक और इंटरव्यू करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसके आगे के जो सवाल जो और चीजें हैं कि कैसे उन्होंने लिखा, और इस कहानी के अंदर की बात करेंगे अभी हम, और तमाम चीजें जानेंगे कि कैसे कैसे लिखा और कैसे लिखा, और ये जो चीजें थी कि 12 बरस इसको लिखने, किताब को लिखने में लगी तो कैसे चीजों को सजो कर रखा, इन सब सवाल के लिए हम जल्दी मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।